16 अक्टूबर यानी आज शरद पूर्णिमा का पावन अवसर है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा के इस दिन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ निकलता है और इस दिन चंद्रमा की रोशनी से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन घरों में खीर बनाकर चांद की रोशनी में रात भर के लिए रख दी जाती है और दूसरे दिन सुबह इसको खाया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है और इसके पीछे की कहानी क्या है? अगर नहीं तो ये वीडियो जरूर देखिए। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है। पृथ्वी पर चांद की ऐसी रोशनी होती है मानो पूरी धरती जैसे रोशनी में नहा जाती हो। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है और यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में खीर रखने की परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा से होने वाली अमृत वर्षा खीर पर पड़ती है, जिससे खीर भी अमृत के समान बन जाती है। माँ लक्ष्मी को मखाने और दूध से बनी खीर बेहद प्रिय है। ये भी एक कारण है कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने की परंपरा है। कहा जाता है कि ये खीर कई रोगों से मुक्ति दिला सकती है, वाणी के दोषों को दूर कर सकती है। इस खीर को ग्रहण करने से कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। जो कोई भी शरद पूर्णिमा की पूजा करता है, माँ लक्ष्मी हमेशा अपना आशीर्वाद उनके साथ बनाए रखती है। आपको बताते चले कि आज शरद पूर्णिमा के दिन चांद निकलने का समय शाम 5:04 पर है। चांद की रोशनी में खीर रखने का मुहूर्त शाम 7:18 तक रहेगा, क्योंकि इस दौरान रवि योग रहेगा। अगर आप इस मुहूर्त में खीर नहीं रख पा रहे हैं तो खीर 8:40 से पहले चांद की रोशनी में रख सकते हैं।